देखो ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम से। फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन एक्स प्लस 3 टू द पावर 8। ठीक है, तो एक ना जनरल कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा कि जैसे a प्लस एक्स टू द पावर n है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी जीरो ए टू द पावर n एक्स टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर 1। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से हम लोग चले अगर तो एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r। ठीक है, अप टू एन सी एन ए टू द पावर 0 एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का मेन फॉर्मूला है ना। तो अगर हम ये वाला टर्म देखें, ये टर्म कहाँ पर किस पोजीशन में, इस टर्म का पोजीशन क्या होगा हमारा, जैसे देखो ये 0 है और ये 1 से लेकर और एक टर्म और एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर इस पोजीशन को अगर हम देखें तो ये हमारा टी आर प्लस वन एथ टर्म है ना। ये हो गया एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोफिशियंट निकालना पड़े तो हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सपेंशन सीरीज है एक्स प्लस थ्री टू द पावर 8। ठीक है, तो इसका अगर जनरल टर्म निकाले टी आर प्लस 1 तो क्या होगा, ये हमारा 8 सी आर है ना, n की जगह में क्या आ गया हमारा 8 जितना यहाँ पर था, r के r हो गया। ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x, तो x टू द पावर n माइनस r, मतलब क्या लिखेंगे 8 माइनस r। दूसरा टर्म x के जगह में यहाँ पर हम लोग 3 ले रहे हैं, तो ये 3 टू द पावर r हो गया। ठीक है, तो हम गिवन सीरीज का ये जनरल टर्म निकाल लिए। अब हमारा टारगेट क्या है कि x का पावर क्या चाहिए हमको, 5 चाहिए। 5 चाहिए मतलब ये जो डिफरेंस है 8 माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो r का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पहले हम लोग r निकाल लिए, तो जैसे ही r निकाल दिए तो मतलब हमारा इससे पता चल गया कि फोर्थ टर्म जो होगा है ना, उसमें हमारा x टू द पावर 5 रहेगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टी थ्री प्लस 1 मतलब टी 4 है ना, तो हमारा ये 8 सी 3 और 3 टू द पावर 3। समझ में आया, क्लियर हुआ, यही हमारा हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन एक्स प्लस 3 टू द पावर 8। इसको और अगर सिंपलीफाई कर सकते हो तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 8 सी 3 को फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3 टू द पावर 27 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, और हमारा ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। हाँ ठीक है, इंटू 27, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 को अब हम लोग 6 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 56 इंटू 27 ये कितना आएगा, देखो 56 को 27 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। वन फाइव वन टू, तो यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। समझ में आ गया, ठीक।